शिक्षा तो प्रकाश की ओर ले ही जाता है, लेकिन ज्ञान होने के लिए भी मनुष्य को धार्मिक ग्रंथों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना। अब जानकारी है नहीं तो लोग तरह तरह का टीआरपी आजकल चला है, जिसको जो मर्जी है बयान दीजिए और टीआरपी बटोरिए तो जनता बटोर लेगी। इसे में कोई मुश्किल हमारे लिए नहीं है, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। जो लोग ऐसा बयान देते हैं हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने अपने इलाके में ठाकुरबाड़ी की तरफ देखिएगा मत, क्योंकि ठाकुरबाड़ी तरफ देखिएगा तो वहां रामलला मिलेंगे, उधर देखना मना, प्रणाम करना मना। उनके क्षेत्र में जो विद्यालय है, प्रबंध समिति के अध्यक्ष है हाई स्कूल के, तो उस विद्यालय में तो सरस्वती पूजा नहीं होगा। सब बेतुका बयान है, कोई औचित्य नहीं। कौन क्या बयान दे रहे हैं ये उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके टीआरपी के लिए महत्वपूर्न है, उनके जीवन के दोहरा चरित्र के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, यह सब के लिए गौरव का क्षण है और महत्वपूर्ण क्षण है। अभी जाएंगे, भविष्य में जाएंगे, जाते रहते हैं, तो अयोध्या तो भगवान रामलला के पूजन के लिए जाना ही जाता है। और वह जो लोग आलोचना करते हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इस देश के पहले राजनेता है, जो मंदिर की घेराबंदी कराते हैं, तो उसके लिए तो आवंटन होता है बजट से ही, और साथ ही साथ पुनौरा धाम अभी हाल में मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी माँ सीता के सम्मान में 72 करोड़ रुपया, बड़ी पटन देवी का निर्माण 7.5 करोड़ रुपया से हो रहा है, तो हम तो सबका सम्मान करते हैं। जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी को दर्शाता है, शिक्षा जो है वो प्रकाश की ओर ले जाता है। अरे शिक्षा तो प्रकाश की ओर ले ही जाता है, लेकिन ज्ञान होने के लिए भी मनुष्य को धार्मिक ग्रंथों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना। ज्ञाने नहीं रहेगा तो रामायण पुराने शरीफ कैसे पढ़ेगा, उसका विश्लेषण कैसे करेगा। बयान का कोई औचित्य नहीं है भाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अयोध्या में रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहां से 27 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद के लिए जमीन का आवंटन किया गया है, तो जाकी रहे भावना जैसी प्रभु देख मूरत तिन तैसी। अब भगवान श्री राम के बारे में इस ढंग की टिप्पणी करना, अरे वो बन गए थे, वो एक मानक है कि 14 वर्ष तक के पूरा उन्होंने राजपाट को त्याग कर के वन की ओर चले, तो नई पीढ़ी के लिए तो त्याग और समर्पण का वो प्रेरणा स्रोत है। अब लोगों को इस बात की जानकारी है नहीं, अब जानकारी है नहीं तो लोग तरह तरह का टीआरपी आजकल चला है, जिसको जो मर्जी है बयान दीजिए और टीआरपी बटोरिए तो जनता बटोर लेगी। इसे में कहीं ना कहीं या आप लोगों के लिए मुश्किल का सबक। कोई मुश्किल हमारे लिए नहीं है, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं, हम कब्रिस्तान का भी करते हैं, चर्च का भी करते हैं, हमारे लिए समस्या नहीं है। जो लोग ऐसा बयान देते हैं हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने अपने इलाके में ठाकुरबाड़ी की तरफ देखिएगा मत, क्योंकि ठाकुरबाड़ी तरफ देखिएगा तो वहां रामलला मिलेंगे, उधर देखना मना, प्रणाम करना मना, और अपने घर पर कह दीजिए कि जो वैष्णव संप्रदाय में विश्वास करने वाले लोग हैं वो हमारे घर पर उनका प्रवेश निषेध है। फतेह बहादुर जी को घर से नहीं निकलना चाहिए सरस्वती पूजा के दिन, अपने निर्वाचन क्षेत्र में एकदम रूम में बंद रहना चाहिए, एकदम गलती से भी कहीं पर आवाज सुनाई पड़े तो कोई उपाय नहीं, एकदम उपाय करना चाहिए कि श्रवण शक्ति उस दिन की बंद हो जाए उनकी। उस दिन तो सरस्वती पूजा होगा, नहीं जाएंगे किसी के घर, जिसके घर सरस्वती पूजा होगा उसके घर नहीं जाए, उनके क्षेत्र में जो विद्यालय है, प्रबंध समिति के अध्यक्ष है हाई स्कूल के, तो उस विद्यालय में तो सरस्वती पूजा नहीं होगा। सब बेतुका बयान है, कोई औचित्य नहीं। शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने भी उनके बयान को सही ठहराया। अब उन बयान को सही ठहराते रहे, जनता बयान को उसी को सही ठहराएगी कि सबका सम्मान करिए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।